आत्मा, ये जो वेब सीरीज है इट इज़ अबाउट संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो 1950 में उसका शुरुआत हुआ था, और आई फील दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड। टीम ने बहुत मेहनत की है और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये Z5 पे अभी प्रीमियर कर चुकी हैं एंड द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग इज फिनोमिनल। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस को, आवाम को, मैं आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी इतना अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिला है। आई जस्ट होप जिन्होंने देखी नहीं है वो ज़रूर देखें, और दोज पीपल हु बिलोंग टू महाराष्ट्र, हु आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र, हु आर महाराष्ट्रियंस, हु आर नॉन महाराष्ट्रियंस लेकिन आर सम वे रिलेटेड टू महाराष्ट्र, या अगर आप कम्प्लीटली रिलेट, आप बिल्कुल रिलेटेड नहीं है महाराष्ट्र से, फिर भी आई फील ये वेब सीरीज़ कहीं तो भी रिलेट करेगी, बिकॉज द इमोशंस हैव स्टक द राइट कॉर्ड आई फील, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ, और इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विथ ऑल द लवली एक्टर्स, एंड आई जस्ट होप आप जल्दी देखें जिन लोगों ने वेब सीरीज देखे नहीं है। रिसर्च तो काफ़ी करना पड़ा, बट द बेस्ट पार्ट वॉज आर डायरेक्टर एंड राइटर देवर वेरी सॉर्टेड, तो हमें एक प्लेटर पे मिली चीज़ें कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा ये सब है। मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर बताऊँ तो ये कैरेक्टर, इनका नाम है अभय, अभय साने, ही इज़ द कम्युनिस्ट मैंटेलिटी वाला बंदा है, और वेल लाइक फिल द रिच गाय, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, और उनके पापा मिल ओनर है और ये मिल वर्कर्स के लिए लड़ता है। सो ऐसा ये कैरेक्टर है, एंड इट वाज आई हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग दिस कैरेक्टर। राइट, एक्चुअली ये जो वेब सीरीज है दिस इज़ लूजली बेस्ड ऑन द नॉवल बाय मिसेस देशपांडे, जो प्रके अत्रे उनकी डॉटर है, तो काफ़ी सारे फैक्ट्स तो क्लियर थे, और रिसर्च का मैं बताऊं तो आई गेस इट्स द थॉट प्रोसेस मोर और लेस, क्योंकि उस ज़माने में लोग कैसे सोचते थे, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, आई थिंक दैट वाज डिफरेंट। एंड फिजिकलिटी की जब बात करते हैं तो वो आई फील जिस तरह से वो पहना, वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो होते हैं उसके हिसाब से आई फील यू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। जब भी ये स्टोरी उन्होंने मुझे बताई, और सबसे पहले जो दिल से आवाज़ आई कि आवाम तक ये स्टोरी पहुंचाना ज़रूरी है, और ये स्टोरी देखने के बाद आवाम इस बात से मुत्तफिक होगी कि सर्टन थिंग्स वी डिडंट नो, रिलेट तो एक चीज़ है, और दूसरा मतलब जिस शहर में रह रहा हूँ उसकी हिस्ट्री अगर इतने एंटरटेनिंग तरीके से अगर बताई गई है तो मुझे ज़रूर देखना पसंद आएगा। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी बिंज्ड वॉच इट एंड वी आर वेटिंग फॉर सीजन टू। सो सचिन सर के साथ मैंने पहली मराठी फिल्म जो की थी वो सर के साथ की थी, और आई वॉज रियली वेरी ईगर टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विथ हिम वंस अगेन, सो इट वॉज अ ग्रेट टाइम, और ही इज़ अ रॉक स्टार। अंजलि के साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया है, और मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, उनकी कुछ फिल्म, मैं अनफॉर्चुनेटली उनका काम ज़्यादा देखा नहीं था, बट शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस, आई फील हमारे जनरेशन में वन ऑफ द बेस्ट अंजलि है। और अभय के साथ मैं कॉलेज, वी गो लॉन्ग बैक, कॉलेज में हम कॉम्पिटिटर्स थे, तो अभय के साथ पहली दफ़ा मैंने काम किया ऑन स्क्रीन। जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड आज काफ़ी सारे सेलेब्स आ रहे हैं, आई जस्ट होप सबको पसंद आए। ये फॉर दिस वेब सीरीज आई थिंक आज ये लाइक जस्ट प्रीमियर हुआ है, तो आज ये पहला स्क्रीनिंग है स्पेशल, नहीं स्पेशल स्क्रीनिंग इनका आज है, तो कल हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स की तरफ से डेफिनेटली सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हम वीवर आप थे इसलिए हमने चालू कर देखा, देखना शुरू किया, लेकिन पूरा ख़त्म करके बाहर निकले। सो आई गेस ये सिर्फ मैं खुद पे नहीं लूँगा, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द टीम कि इतने अच्छी तरीके से उन्होंने ये वेब सीरीज़ बनाई है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, हुतात्मा एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो हिंदी में, मराठी में वेब सीरीज़ को एक नए मुकाम पे, बिल्कुल ऐसे हमें तो अभी लग रहा है, और इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये वेब सीरीज़ आ रही है लोगों के सामने Z5 पे। सो प्लीज़ वॉच दिस वेब सीरीज़ विच इज़ सेट इन अ पीरियड 50s पे, एंड इट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई। बिल्कुल, मेरे नाना नानी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो मेरे लिए ये एक बहुत भाग्य की बात थी कि मैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई इस वेब सीरीज़ का हिस्सा बन सकूं,
और उसके बाद जब ये वेब सीरीज़ की गई तो जयप्रद जो डायरेक्टर है और जो राइटर है स्क्रिप्ट के, उन्होंने इतनी डिटेल में ये स्क्रिप्ट लिखी थी कि हम बस काम करते गए और एट द सेम टाइम महाराष्ट्र के बॉम्बे के हिस्ट्री के बारे में वी गॉट टू नो मोर एंड मोर. सो द वर्किंग इन दिस वेब सीरीज वॉज एन एक्सपीरियंस. इट वॉज लर्निंग ऑफ माई कल्चर, वॉट इट मीन्स टू बी बींग महाराष्ट्रियन मराठी. सो यप. दैट इज़ वेरी ट्रू. वेन यू हैव अ गुड स्क्रिप्ट एक्टर्स का काम ज़्यादा आसान हो जाता है और वो एक कैरेक्टर की ज़्यादा गहराई तक पहुँच पाता है. अदर अगर सब्सटेंस नहीं है तो एक्टर कुछ भी कर ले, यू कांट डू मच. विद्युत एक 20-22 साल की लड़की है जो रुइया कॉलेज में पढ़ती है, राजकुमार की फ़ैन है और उसे रुइया की नरगिस बुलाते हैं सब. तो एक बहुत ही सीधी सादी छुई मुई सी लड़की है. उसके लाइफ में जो घटना घटती है अपनी आंखों के सामने, शी सीज डेथ. और फिर ये बहुत ही छुई मुई सी लड़की कैसे इस मूवमेंट का, इस क्रांति का हिस्सा बनती है अपने पर्सनल जो भी उसके अंदर की जो आग है उसके लिए. और एक बहुत ही छुई मुई सीधी सादी लड़की से एक बहुत ही निडर शेरनी की तरह उसकी पूरी जर्नी होती है. शायद इस स्क्रिप्ट की, इस रोल की डिमांड ही यही थी कि ये बहुत वल्नरेबल भी है और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग भी है. तो ये कहीं, ये साड़ी में है, ये बहुत ही लड़की की तरह है, बहुत वल्नरेबल है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ या शी इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. सचिन सर है, वैभव है, आप हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस है? इट्स ग्रेट टू बी सराउंडेड विद ऑल दीज लेजेंडरी एक्टर्स, ऑल्सो पीपल फ्रॉम माई जनरेशन. इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस व्हेन वी गेट टू सी इतने सारे अलग अलग एक्टर्स हैं. तो बहुत अच्छा लगा. फाइनली कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिला, कोई क्लियर हो चुका है इस कल्पी पर, क्या फैंस को क्लियर मिल चुका है, जो बेस कॉम्प्लीमेंट होगा तो शेयर करें. आई थिंक टुडे इन अ रिव्यू दे सेड दैट दिस वेब सीरीज इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर और बहुत सारी चीज चेंज करेगी. तो मुझे लगता है कि ये इस वेब सीरीज के लिए सबसे सुंदर कॉम्प्लीमेंट है. क्या माइंड में चल रहा है आज स्क्रीनिंग इस पे? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि जो जिस चीज़ पर आप बहुत लंबी देर तक काम करते हो, सालों काम करते हो, वो जब किसी के सामने आता है और जब लोगों की रिएक्शन आती है तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है. कल ही ये स्ट्रीमिंग हुआ 1 मई महाराष्ट्र डे से और बहुत ही बढ़िया उसका रिस्पांस आया है. सो मैं काफ़ी उत्तेजित हूँ, काफ़ी खुश हूँ सब सुन के. नहीं कोई ऐतिहासिक विषय है, लेकिन इट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन. मतलब उसकी जो पार्श्वभूमि है वो ऐतिहासिक है, पर जो कथा है वो काल्पनिक है. तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड रियलिटी, इट्स अ ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड फिक्शन. तो हाँ बिल्कुल, जब आप कोई भी ऐतिहासिक विषय पे कुछ करने चाहते हो तो उसका रिसर्च करना पड़ता है, हर एंगल से उस दौर को देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक का देखने का एक अपना नज़रिया होता है. तो जब आप उस पे कुछ करने जाते हो तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो हर एंगल से उस दौर को आपको जांचना पड़ता है. तो और वो मेरा काम है, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर मैंने वो किया. माई जॉब रिक्वायर्स मी टू डू दैट. किस तरह का एक्सपीरियंस कास्ट के साथ मेरा है? सचिन सर, अंजलि है. बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत अच्छी कास्ट है. और जैसे मैंने कहा कि जो दौर है, जो पीरियड है, जो कल्चर है, जो उस विषय का हिस्सा है, उसको पूरी तरह से समझना और उसके सत्व को समझकर उसको आजमाना बहुत मुश्किल था. और सभी कास्ट ने बहुत ही मन लगा के अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है और इसीलिए उसका जो नतीजा है वो इतना अच्छा है. सचिन से कुछ इंटरव्यू, काफ़ी लेजेंडरी है, ये बोल सकते हैं, कुछ हेल्प मिली आपको? जी, सचिन के साथ मैंने पहले भी काम किया है. मेरी जो पिछली फिल्म थी उसमें सचिन खेड़ेकर ने मेन लीड किया था, तो मुझे एक अलग तरह का इक्वेशन है उनके साथ. यू नो, बहुत बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, वो भी बहुत कंफर्टेबल है. तो एक अलग तरह का माहौल बनता है और उससे काम और अच्छा और निखर कर आता है.
हेलो जी, अभी तो मतलब क्या कहना चाहेंगे जी, अभी तो बहुत तैयार होके आए हैं। अभी जो मतलब जो सब डिफिकल्ट काम था वो तो हो चुका है, अभी सिर्फ आसान वाला काम है कि जब लोगों के सामने पेश करना है। और जितने लोगों ने अभी तक जो कुछ देखा है उन्हें बेहद पसंद आया है, उन्होंने कहा है कि मराठी के कंटेंट में या फिर पूरे इंडिया लेवल पे डिजिटल कंटेंट में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, अभी बस इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए बस। जी जी, सीज़न टू तो हमने शूट किया हुआ है और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो सीज़न टू तो ज़रूर आएगा। और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मतलब उसके लिए दो सीज़न ही बनाने पड़े, तो वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो काफ़ी अच्छा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को चूज़ करने की जो खास वजह, क्या चीज़ खास लगी? जी, हर चीज़ खास है। एक तो राइटिंग बहुत ही खास है, और उसके साथ अंजलि के साथ काम करना या फिर वैभव के साथ काम करना, हम एक हम उम्र हैं सब लोग, पर एक दूसरे का काम काफ़ी पसंद भी करते हैं, तो ऐसे अपने एज के अच्छे एक्टरों के साथ काम करना तो मतलब बहुत अच्छी बात होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है जो राइटिंग, बहुत ही कमाल का राइटिंग है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, तो मतलब ना बोलने का कोई कारण ही नहीं था। जी 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 जी, एक तो मतलब जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसके वजह से काफ़ी अंदाज़ा आ रहा था कि मतलब 1950 में है तो फिर भी कैसा था सब उस टाइम का समय। पर एक चीज़ है कि आदमी 1950 में हो या 2020 में हो, उसकी भावनाएं तो एक जैसी ही रहती है, तो मतलब ज़्यादा रिसर्च के अलावा मतलब वो जो इमोशन है उसके पास जाने की ज़्यादा कोशिश की है। हाँ, जी, मुझे बहुत 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 पसंद आया है मुझे ये कॉस्ट्यूम। और इसी के साथ मेरे पास एक पीली कलर की स्कूटर है जो 1950 में हुआ करती थी, और 1960-70 के बाद उस तरह की स्कूटर्स बंद हो गई, तो मैं वो स्कूटर भी चलते हुए दिख रहा हूँ, तो वो काफ़ी बहुत ही मज़ा था कि सेट वेट है, ट्राम जा रही है। और 2020 में हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये सब कैसा रहा होगा, तो एक्चुअली ट्राम में बैठना, एक्चुअली वो कपड़े पहनना, दंगे हो रहे हैं तो कहीं कोई जला रहा है कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ों के बीच अब जब एक्टिंग करते हो तो आपको एक्चुअली सब कुछ रियल ही लगने लगता है, तो बहुत मज़ा। जी, एक तो काफ़ी रियल लोकेशंस भी हुई है और काफ़ी सेट भी है, तो दोनों मिलके पूरा बॉम्बे में, हम सतारा में भी गए थे शूट के लिए, तो काफ़ी जगह पे शूट हुआ है। जी सर, मैंने सचिन खेड़ेकर जी के साथ पहले काम किया हुआ था, वो मेरे फादर थे उसमें, पर हमारा सीन एक साथ नहीं था उसमें। बट इस सीरीज़ में वो मेरे बॉस हैं और उन्होंने मेरा काम थिएटर में काफ़ी देखा हुआ है, पर इस बार पहली बार हमने एक साथ काम किया। और अच्छे एक्टर के साथ काम करते वक्त आप में से भी अच्छा एक्टर बाहर आता है, तो मतलब ये तो इन्हीं से हमने सीखा हुआ है, तो उनके साथ काम करना तो मतलब ड्रीम जैसी बात है। जी मतलब अंजलि के, एक तो मैं अंजलि के साथ सारे सीन्स जो है वही है, और बहुत ही कई बार तो बहुत कड़ी धूप में हमें सीन करने पड़ रहे थे, पर वो तो मतलब सब पार्ट एंड पास है गेम का, तो सभी चीज़ें ऑफ स्क्रीन तो बहुत ही अच्छा मतलब टाइम पास वाला नहीं, मतलब नहीं, पर एक तो क्या है कि सीरीज़ काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी मतलब ऐसे कॉमिक और छोटे चीज़ों के बारे में नहीं, महाराष्ट्र के मतलब हिस्ट्री के बारे में है, तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, तो एक तो जब लोग रिलैक्स करते थे तो मतलब वो थोड़ा टेंशन से बाहर आके रिलैक्स करते थे, क्योंकि आप जब आपका काम ही जब इतना इंटेंस हो तो आप बाकी जगह पे थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, तो और काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए सब लोग, तो हम शूट नहीं भी होता तो भी सेट पे रुकते थे, सबके साथ टाइम बिताते थे, तो मतलब खाना एक साथ खाना वो तो सबसे बढ़िया बात है सेट पे। जी जी, बहुत लोगों ने जिन्होंने काम देखा है पहले हुए, तो मतलब उन्होंने सब ने कहा है कि इस तरह का मेरा काम उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि थोड़ा ग्रे शेड है कैरेक्टर के लिए, तो वही है बस, मतलब बहुत ही अच्छे एक्चुअली सारे टीम के लोगों ने देखा है, उन्हें भी काफ़ी पसंद आया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।